I am Dr. Suhel Dalal from Dr. Dalal's Ayurveda, belonging from Surat Sanjeevani Ayurveda Hospital. Dosto, aaj main yahan pe aapke samne upasthit hua hoon ek aise topic ko lekar, ek aise mudde ko lekar, ek aise disease ke bare mein aapse charcha karenge ki jis disease ko lekar aaj hum India hi nahi lekin puri duniya mein अगर हम देखने जाएं तो ज़्यादातर लोग उस परेशानी से पीड़ित हैं। जी हाँ दोस्तों, आप समझ चुके होंगे मैं बात कर रहा हूँ मोटापे की, मेदस्विता, स्थूलता, स्थौल्य और ओबेसिटी। ओबेसिटी दोस्तों आज के ज़माने में एक वेल नोन डिसीज़ बन चुका है। तो ऐसा तो क्या हुआ पिछले कुछ सालों में कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो मोटापे के शिकार हो गए और ओबेसिटी इतना बड़ा डिसीज़ हो गया। दोस्तों, ओबेसिटी के पीछे अगर हम देखने जाएं तो आयुर्वेदा के अनुसार उसके तीन मुख्य कारण होते हैं। सबसे पहला जो कारण है ओबेसिटी का, वो है हमारी सिटिंग लाइफस्टाइल, यानी कि हमारा बैठने वाला जीवन। हमारी जो पूरी दिनचर्या है, हमारी जो पूरी लाइफस्टाइल है, वो बैठने वाली हो चुकी है। दोस्तों, हम सुबह से लेकर रात तक ऐसे व्यवसाय में उलझे हुए हैं कि जिसमें फिजिकल वर्क नहीं होता है लेकिन मानसिक वर्क ज़्यादा होता है, मेंटल वर्क ज़्यादा होता है। तो हम पूरा दिन बैठे रहते हैं, उससे हमारी कैलोरीज बर्न नहीं होती और हमारी मेटाबॉलिज्म जो है वो वीक हो जाती है, हमारा पाचन क्रिया जो है वो वीक हो जाती है। दूसरा एक कारण है डे स्लीप, यानी दिन में सोना। ज़्यादातर लेडीज़ को हम देखें तो दोपहर के वक्त में एक घंटा, दो घंटा, कुछ तो तीन तीन चार चार घंटे तक सोते हैं। और जेंट्स में अगर हम देखें तो सुबह लेट उठने की तकलीफ है और दोपहर को सोना, उसको दिन में सोना ही हम कहेंगे। और दिन में सोने से ओबेसिटी जो है वो बढ़ती है। ओबेसिटी का तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो है वो हमारी फूड हैबिट एंड लाइफस्टाइल है। दोस्तों, हमारी फूड हैबिट पहले के कंपेरिजन में आज बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। हम में से हर एक पर्सन जो है वो बाहर के खाने का, जंक फूड का, तला हुआ खाने का, स्पाइसी खाने का एडिक्ट हो चुका है। दोस्तों, जो खाने से हमारी पाचन की प्रक्रिया जो है वो मंद होती है। पाचन की प्रक्रिया मंद होगी तो खाना जो है वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। खाना इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पेट में पड़ा रहेगा वो फैट में कन्वर्ट होगा। दोस्तों, तो ये कुछ कारण मैंने आपको बताए कि जिसकी वजह से आज के वक्त में ओबेसिटी जो है वो एक बहुत बड़ा रोग बन चुकी है। दोस्तों, आज हम ओबेसिटी का इलाज आयुर्वेदा के माध्यम से आपके सामने लेके आने वाले हैं। आज मैं यहाँ पे आपके सामने ओबेसिटी की बात कर रहा हूँ, एक ऐसे केस से भी आपको मिलवाने वाला हूँ कि जो ओबेसिटी के शिकार थे और उन्होंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ और आयुर्वेदा की लाइफस्टाइल को फॉलो करके 3 से 4 महीनों में दोस्तों अपना 20 से 25 kg वेट कम किया और अपनी लाइफ में जो प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे थे उसमें से उन्होंने ओवरकम किया और आज एक बेहतरीन हेल्दी और फिट लाइफ जी रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम घनश्याम कलथिया है। मैं करीब 4 महीने पहले यहाँ आया था और मैंने पहले तो ऐसा सोचा था कि मैं बेरियाटिक ऑपरेशन करवाऊँ और किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि डॉक्टर सुहेल दलाल करके है और तो मैं यहाँ पर आया और उनकी ट्रीटमेंट ली। वो टाइम मेरा वेट था करीब 104 किलो और उन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया वो हिसाब से मैंने फॉलो किया तो पूरा मतलब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। अच्छा घनश्याम भाई, आप यहाँ पे जब आए थे तो आपको क्या क्या दिक्कतें थी? जब मैं आया था वेट ओवरवेट था और चलने में भी सांस फूल रही थी, अच्छे से मतलब बॉडी वर्कआउट नहीं कर रही थी, बहुत दिक्कत थी बॉडी में। कॉन्फिडेंस लेवल भी एकदम लो था मेरा वो टाइम पे और जब ये किया तो उससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है और पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत हो गई है, ओवरऑल बेटर है। अच्छा, अभी वेट उतरने के बाद आपको कैसा महसूस हो रहा है? जब आपकी कोई डाइट नहीं चल रही है, आप एक नॉर्मल खुराक पे हैं तो कैसा फील कर रहे हैं? एकदम मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं पहले से 10 साल छोटा हो गया हूँ। फीलिंग गुड है, अच्छा, कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो गया होगा, कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है। अच्छा, साथ साथ जब आप आए तो वेट लॉस के साथ साथ आपको कान में सुनाई देने हाँ, वो कि मेरे को थोड़ा दिक्कत था, डॉक्टर के पास से ऑपरेशन करवाया था तो 3 साल पहले मेरा कान ऑलमोस्ट बंद हो गया था
तो मैंने डॉक्टर सुहेल से बात की कि मेरा ऐसा ऐसा हुआ है, तो उन्होंने वो टाइम पे एक हफ्ते का मेरे को दवाई दिया, तो एक हफ्ते में ही मेरा जो 100% रिजल्ट आ गया और मेरा जो कान था वो मतलब पूरा खुल गया। आज आप अच्छे से सुन सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओबेसिटी की वजह से या कुछ ऐसे डिसीज है जिनकी वजह से ओबेसिटी और वो रोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, जैसे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। आज थायराइड का रोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हाइपोथायराइड वाले लोग जो हैं वो ओबेज होते हैं। टाइप 2 डायबिटीज ओबेसिटी में ज़्यादा होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करें पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, PCOD, लड़कियों में होने वाला, लेडीज़ में होने वाला रोग, खान पान और लाइफ स्टाइल की इररेगुलरिटी की वजह से पीरियड्स की प्रॉब्लम हो जाना, और उसमें भी ओबेसिटी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है दोस्तों। तो आप अपने लाइफस्टाइल में चेंज लाकर और कुछ आयुर्वेदिक होम रेमेडीज या कुछ आयुर्वेदिक औषधों का उपयोग करके भी आप उससे बाहर निकल सकते हैं। सबसे पहले हमारी लाइफस्टाइल में क्या चेंज करना है वो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। सबसे पहले लाइफस्टाइल में चेंज करना है तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि सुबह जल्दी उठें, आधा घंटा सुबह में चलें और आधा घंटा रात को खाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद चलें दोस्तों। दूसरा सॉल्यूशन ये है दोस्तों, खाना खाने के बाद कभी भी पानी ना पिए। खाना खाने के 1 घंटे के बाद पानी पिए। और दोस्तों हमेशा याद रखें, जब भी आप खाना खाते हैं तो उसके 1 घंटे के बाद अगर हो सके तो गर्म पानी पिए। खाना किस तरह खाएं हम, सुबह के खाने में अगर हो सके तो फ्रूट्स कंज्यूम करें, जो भी सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं वो आप लीजिए। दोपहर का जो खाना है, लंच जो है वो हमारा मेन मील है दोस्तों, उसको कभी भी स्किप ना करें। 10 से 12 के बीच में आप लंच करें और रात का खाना आप 8 बजे तक खत्म करें दोस्तों। रात का जो खाना है वो दोपहर के खाने की कंपैरिजन में आधा या उससे भी थोड़ा कम करें, क्योंकि रात का खाना जो है हमें लाइट लेना है, क्योंकि शाम को हमारी पाचन क्रिया दिन के कंपैरिजन में थोड़ी वीक होती है दोस्तों। दिन में सोना बंद कर दीजिए दोस्तों। दोपहर को जिनको नैप लेने की आदत है 15 से 20 मिनट का नैप लें, लेकिन खाने के तुरंत बाद ना लें। खाना 1 घंटे में डाइजेस्ट हो जाता है, वो एक खाने के 1 घंटे के बाद 15 से 20 मिनट मैक्सिमम 30 मिनट का नैप लें दोस्तों। सुबह में मैक्सिमम 7 बजे 7:30 बजे तक उठ जाएं, मैक्सिमम 8 बजे तक, उससे लेट तक आप न सोएं, और रात को 11 मैक्सिमम 11:30-12 बजे तक आप सो जाएं। और हमारी लाइफस्टाइल में हमने चेंज का देखा, हमारी फूड हैबिट में हम चेंज करें, जो हम जंक फूड खाते हैं उसको हम बिल्कुल कम करें। अगर हफ्ते में एक बार खाते हैं तो महीने में एक बार खाएं। जिस दिन हमने बाहर का खाना खाया है उसके दूसरे दिन हम हल्का खाना खाएं। एक और कारण है चाय कॉफ़ी पीना। कुछ लोगों को खाने की ज़्यादा आदत नहीं होती, लेकिन वो चाय कॉफ़ी बहुत पीते हैं, तो चाय कॉफ़ी का प्रमाण जो है वो खाने में कम कर दें। ठंडा पानी ज़्यादा ना पिए, कोल्ड ड्रिंक्स ना पिए, आइसक्रीम चॉकलेट्स को कम कर दें और एक हेल्दी जीवन जिए दोस्तों।